नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा आठवीं का सहायक वाचन विषय में अध्याय छः के प्रश्नोत्तरों करेंगे। अध्याय छः का नाम है सल्तनत व मुगल काल में मध्य प्रदेश। इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को हम पूरा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर एक है, मुमताज महल का संबंध किस मुगल शासक से था? इसका सी ऑप्शन सही है, शाहजहां। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अकबर को चुनौती देते हुए खालिस्तान ने वीरगति प्राप्त की? इसका सही उत्तर है, रानी दुर्गावती। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, बुंदेलखंड में मुगलों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किसने किया था? इसका उत्तर है, बुंदेलखंड में मुगलों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह महाराजा छत्रसाल ने किया था। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक चौथा है, मुगल काल में मध्य प्रदेश में सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था और क्यों? इसका उत्तर है, मुगल काल में मध्य प्रदेश में राजगोंड वंश काफ़ी प्रभावशाली रहा। इसकी राजधानी गढ़ा में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह था। संग्राम शाह को गोंड साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है। नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला उसी ने निर्मित करवाया था। इस तरह से प्यारे साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह के आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।